और बच्चों आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर झा में। इस वीडियो में हम मिशन मैथमेटिक्स का क्लास नाइन्थ का दिनांक 25 अक्टूबर 2024 का वर्कशीट लेकर के उपस्थित हूँ। हमारा आज का जो टॉपिक है उसमें आइडेंटिटी नंबर टू यानी सर्वसम्मिका नंबर दो, जिसमें एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है। तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अर्थात जो सर्वसम्मिका है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब एक ये जो सवाल है, देखिए कह रहा बच्चा, कह रहा महोदय एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर जो कि आप पिछले वर्कशीट में आपने सीखा था उसमें कह रहा है, जो कि उससे हमें 99 का स्क्वायर को हल करने में हमें समस्या आ रही। तो बच्चों इस प्रकार की एक बीजगणितीय सर्वसम्मिकाओं को पहले इसको हल करने से पहले इसको सीखते हैं, जो जिसे हम x प्लस वाई का होल स्क्वायर की तरह x माइनस वाई का होल स्क्वायर भी कर सकेंगे और फिर उसके आधार पर आप इस तरह की गणनाएं आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, तो इसका मतलब होता है x माइनस वाई और इसको x माइनस वाई से मल्टीप्लाई करना, जितनी बार ये लिखा हो उतनी बार मल्टीप्लाई होता है। अब किसी एक को हम ओपन कर देते, इसको ओपन करते हैं तो एक्स और माइनस वाई हो गया। अब ये इसके साथ भी गुना हो जाएगा, यानी एक्स माइनस वाई और इसके साथ भी। अब इसका मतलब क्या हुआ, एक्स को एक्स से करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और माइनस वाई एक्स, ये इसमें आ गया और अभी माइनस इधर रख, तो ये आ जाएगा माइनस वाई एक्स और माइनस वाई स्क्वायर। अब माइनस से, क्योंकि यहाँ माइनस से गुना भी करना था तो कई बार बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, तो इसको सही करने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और आप जानते हैं एक्स वाई बराबर में वाई एक्स होता है, तो इसका यहाँ पे यूज करें तो ये भी एक्स वाई हो जाएगा और ये माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस वाई स्क्वायर। तो इस तरह से बना एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब हम एक और तरीका सीखते हैं, जैसे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हमने सीखा था उसमें क्या था, ये इसके साथ भी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जितने सारे चिन्ह दिख रहे हैं, जितने चीज़ दिख रहे हैं सब एक बार लिख दीजिए। जैसे प्लस भी दिख रहा है और एक्स टू भी दिख रहा है, टू फिर एक्स और वाई, तो ये हो गया। इसी तरह एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर में भी यही ट्रिक अपनाएं, तो ये देखिए एक्स का स्क्वायर लिख दिए और प्लस में वाई का स्क्वायर लिख दिए और जितने सारे दिख रहे हैं, जैसे माइनस दिख रहा है तो माइनस, फिर टू दिख रहा है टू एक्स और वाई, ये हो गया फॉर्मूला। ये भी लिखे, ये भी सही है। अब आइए इसका यूज करते हुए बीजगणितीय व्यंजक के रूप में हम यूज करेंगे और फिर इसका हल निकालेंगे। जैसे 99 का स्क्वायर है, तो 99 का स्क्वायर देखिए, 99 का स्क्वायर लिखने के लिए आप 100 में से एक कम करके, अब ये x बराबर ये हो गया और y बराबर ये हो गया, तो आप जानते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और माइनस टू एक्स वाई। तो इसका यूज करें, अब 99 का स्क्वायर बराबर में 100 माइनस वन का स्क्वायर, अब 100 माइनस वन का स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर, तो एक दो और प्लस वन का स्क्वायर और माइनस टू इंटू 100, टू यानी मल्टीप्लाई है और इंटू वन, तो यह हो जाएगा चार बार जीरो प्लस वन और माइनस 200। अब 1001 में से 200 घटाएंगे तो एक का एक रहेगा, और पहले देख लीजिए 1000 एक हो गया और माइनस 200 घटाएंगे तो यह हो जाएगा एक का एक जीरो का जीरो, अब ये दो जाएगा तो यह हो जाएगा 100 में से दो गया 98, ये हो गया इसका आंसर। अब इसी तरह से इसका यूज करके कह रहा है, जो कि उदाहरण के रूप में ये दिया हुआ 998 का स्क्वायर, तो 998 का स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 1000 का स्क्वायर, 1000 माइनस टू लिखा जा सकता है इसका। अब 1000 का स्क्वायर और प्लस में लिखें या माइनस, प्लस में टू का स्क्वायर और माइनस में टू इंटू 1000 इंटू टू, तो यह हो जाएगा एक पर एक दो तीन चार पाँच छः जीरो
जितना है उसका डबल हो जाएगा, प्लस चार और माइनस दो दूनी चार हज़ार, अब ये हो जाएगा एक जीरो 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 चार माइनस चार हज़ार। अब चार का चार जीरो जीरो चार जाएगा इसमें से, तो ये हो जाएगा एक हज़ार में से चार गया नाइन नाइन और सिक्स, ये हो गया आंसर। इसी तरह से फाइव नाइन फाइव का स्क्वायर, तो यहाँ पे 500 माइनस फाइव, तो 500 का स्क्वायर तो हो गया पाँच का स्क्वायर 2500, और माइनस पाँच दूनी दस बचे, मतलब दो को 2500 पे दो जीरो और रहेगा क्योंकि पाँच का ये होगा और दो जीरो है तो डबल जीरो और लगाएंगे, और प्लस में सॉरी माइनस में दो 500 को दो से करेंगे तो 1000 और 5000, और माइनस पाँच का स्क्वायर जो होगा ये हो जाएगा पाँच का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर सॉरी 25 हो जाएगा। अब इस सब को जोड़े तो देखिए 25 तो ये आ जाएगा 25 जीरो जीरो दो पाँच में से 5000 गया, तो 5 2 0 और इधर बच्चा देखिए एक दो तीन अंक हो गया, और यहाँ पे 250 में से 5 चला जाएगा 245, ये इसका आंसर हो गया। इसी तरह x माइनस तीन का स्क्वायर है तो ये लिखा जा सकता है। अब आइए ट्राई और सेल्व के तहत आपको दिया हुआ है a माइनस फोर का स्क्वायर, a माइनस फोर का स्क्वायर, तो आप इसका स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर और माइनस टू ए बी यानी या प्लस इसका स्क्वायर पहले कर लेंगे। देखिए दोनों तरीके हैं, जो आपको सही लगता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, याद रखने के लिए आप कुछ भी याद रख सकते हैं, लेकिन जब रनिंग में आ जाएगा तो आप दोनों में से कोई भी अपना सकते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और जितने सारे चिन्ह दिख रहे हैं टू ए बी, तो दोनों एक ही फार्मूला है, बस इसको अरेंजमेंट अलग अलग किया गया है। तो ए स्क्वायर और फोर का स्क्वायर और माइनस टू इंटू ए इंटू फोर, तो इस तरह से जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 16 माइनस चार दुनी आठ ए, या ए स्क्वायर माइनस एट ए प्लस 16। दूसरा है 97 का स्क्वायर, तो 97 का स्क्वायर यानी यह हो जाएगा 100 माइनस 3 का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर होगा और माइनस 2 इंटू ए के बदले 100 है और 100 है और बी के बदले 3 है प्लस बी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो इस तरह से यह हो जाएगा एक 4 जीरो और 3 दूनी 600 और प्लस 9, तो यहाँ प्लस वाले को एक साथ करेंगे तो ये हो जाएगा एक 10009 में से 600 गया, तो ये 9 जीरो 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 और 100 में से 9 गया तो ये हो जाएगा 94, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 7 माइनस बी का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7 इंटू बी और प्लस बी का स्क्वायर, तो यह हो जाएगा 49 माइनस 7 दूनी 14 बी प्लस बी स्क्वायर, ये इसका आंसर। इसके साथ ही क्वेश्चन ऑफ द डे जो दिया है उसकी तरफ चलते हैं, देखिए क्या है। ये क्वेश्चन ऑफ द डे दिनांक 25/10/2024 का है, इसमें x माइनस 6 का स्क्वायर कह रहा है, तो ये देखिए ये हो जाएगा आप फॉर्मूला x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस टू इंटू एक्स इंटू सिक्स माइनस सॉरी प्लस सिक्स का स्क्वायर, तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस छः दूनी 12 एक्स प्लस 36। यह था आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, धन्यवाद।